नहीं देखिए उसका कैसा आ सकता है। ओके ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है या बट ये लगा देता आप यहाँ पे आओ एक मेडल बनता आपको। जी जी हाँ हाँ थोड़ा नजदीक थोड़ा नजदीक। नहीं थोड़ा लेफ्ट पे रखिए थोड़ा लेफ्ट पे रखिए। हेलो बता रहा हूँ अब तक। ओके 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 कायदे के बारे में बोलो सर कायदे के बारे में डायरेक्ट शुरू करेंगे कायदे बन उल्टा भी करो ऐसा मैं नहीं आ रहा ना इसमें ले बात है यहाँ सामने ठहर रहा क्या है الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم عزيز طلبة آج ہم عربی زبان کے حروف تہجی جسے ہم الفابیٹ کہتے ہیں اس سے متعلق معلومات حاصل کریں گے کہ وہ کیا ہیں کتنے ہیں کیسے پڑھے جاتے ہیں عزیز طلباء میں جس جس حلف کو پڑھتا جاؤں گا آپ میری طرف نظر رکھیں اور حرف کی طرف بھی نگاہ رکھیں
بسم الله الرحمن الرحيم ألف باء تاء تاء ये जो हरफ है सा, जरा मेरी तरफ नजर करें आप, जबान की नोक थोड़ी सी बाहर निकलती है दांतों के बीच में, तब यह हरफ अदा होता है ता, ता, ता। आगे चलिए, जीम जीम जीम। हा, ये हर्फ हलक से अदा होता है। हा, इसके अदा करने का तरीका ये है कि आप हलक से पहले आवाज हवा निकालेंगे, उसके बाद आवाज आएगी। हा, हलक से हवा निकालें, उसके बाद आवाज निकालें। हा, हा। आगे चलिए, हा। इस हर्फ को अदा करते हुए हमारा मुंह दायरे की शक्ल में, हल्के से दायरे की शक्ल में आ जाता है। खा खा खा। और इस हर्फ के अदा करते वक्त आपकी आवाज जरा खरखराहट के साथ निकलेगी, खा, हल्की सी खरखराहट होगी, खा खा। आगे चलिए, दाल दाल। यह हर्फ बहुत आसान है, दाल। आगे चलिए, राल राल। जैसे आपने सा अदा किया था, चौथा हरफ अलिफ बा ता था, बिल्कुल उसी तरह इस हर्फ को भी आप अदा करेंगे, यानी जबान की नोक को दोनों सामने की दांतों के बीच में लाकर अदा करेंगे, ता ता ता। इसी तरह यह हरफ रैल 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 रैल। आगे चलिए, रा रा। यह हरफ भी दायरे की सूरत में आपका मुंह छोटा सा गोल हो जाए थोड़ा सा अदा होता है, रा 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 रा। आगे चलिए, जा जा जा। ये हर्फ थोड़ी सी सख्ती के साथ अदा होता है, जा जा। दांतों को दबाएं, जबान बाहर न निकलने पाए, दांतों को दबाकर यह हर्फ अदा करना चाहिए, जा जा। इसी तरह आगे वाला हर्फ भी सीन, ये भी थोड़ी सी सख्ती के साथ अदा होता है, सीन सीन सीन। आगे चलिए, शीन। सिटी की आवाज आती है इसमें, शीन शीन शीन। आगे चलिए, फाद। ये भी हल्के से दायरे की शक्ल में आपका मुंह हो जाए तो ये हर्फ निकलता है, फाद 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 फाद। आगे चलिए, वाद। ये भी आपका मुंह थोड़ा सा गोल हो जाए दायरे की शक्ल में तो यह हर्फ भी वैसे ही अदा होता है, वाद वाद। इस हर्फ के अदा करने में थोड़ी सी तवज्जो देनी है, वो ये कि आपकी जबान का जो किनारा होता है, किनारा, वो किनारा बाएं तरफ के दाड़ों को लग जाए तो यह हर्फ अदा होता है, वाद। जबान बाहर ना आने पाए, वाद वाद वाद। एक अजीब सी आवाज निकलती है इस हर्फ के अदा करने में। तमाम हरूफ में इस हर्फ को थोड़ा सा मुश्किल हर्फ माना गया है, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है, आप आसानी से अदा कर सकते हैं, वाद। आपकी जबान के दो किनारे होते हैं, एक दाया किनारा, एक बाया किनारा, एक नोक होती है। तो जो बाया किनारा होता है वो आपके बाएं तरफ के दाड़ों को लग जाए, वाद वाद वाद। आगे चलें,
ये भी आपका मुंह थोड़ा सा दायरे की शक्ल में गोल हो जाए तो ये हर्फ भी वैसे ही निकलता है। प प प आगे चलें व, ये हर्फ भी दायरे की शक्ल में अदा होता है मगर वात की तरह पेचीदा नहीं है, आसानी से आपकी जबान थोड़ी सी बाहर निकले और चेहरा मुंह आपका गोल हो जाए। वा 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 आगे चलिए आइन आइन आइन, ये भी हा की तरह हलक से निकलने वाला हर्फ है लेकिन उसमें और इसमें हा और आइन में फर्क यह है कि हा हलक से पहले हवा निकलती है फिर आवाज आती है, इसमें आइन में सीधे हलक से आवाज निकल कर आ जाती है। आइन 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 आगे चलिए आइन, ये भी थोड़ा सा गोल मुंह के साथ अदा होने वाला हर्फ है। वाइन वाइन आगे चलें फा 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 आगे चलें कॉफ कॉफ, साफ अंदाज में इसकी आवाज निकलती है, हमारी जबान की जो जड़ है ऊपर छोटी जबान से जब लग जाती है तो यह हर्फ अदा होता है। ऑफ ऑफ ऑफ, खा जो ऊपर आपने पढ़ा खा उसमें थोड़ी सी खरखराहट की आवाज आती है थोड़ी सी, इसमें बिल्कुल साफ सपाट आवाज निकलती है। ऑफ ऑफ आगे चलें कैफ कैफ कैफ, आसान है इसका अदा करना। लैम लैम लैम, इसका भी अदा करना आसान है। मीम मीम, नून नून, वाव वाव वाव, हा 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 हा, ये हलक से निकलने वाले हरफ की तरह नहीं सीने से निकलती महसूस होती है आवाज इसकी। हा 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 आगे चलें हमजा हमजा हमजा, आगे चलें या या या। तो प्यारे भाइयों आपने अब जो कुछ सुना वो हुरूफ़ तहज्जी के नाम हैं जो आपको बताए गए। आपने गौर किया होगा कि इनमें जितने भी हुरूफ हैं उसमें दो तरह के हुरूफ आपको मिले हैं, एक वो हुरूफ जो आपके दायरे की शक्ल में मुंह होने से निकलते हैं यानी गोल मुंह से निकलते हैं, पहला हरफ ख, दूसरा हरफ र, तीसरा हरफ साद वाद वा वा वाइन काफ। ये हुरूफ अगर आप गिनती करें तो आठ होते हैं। ये आठ हुरूफ दायरे की शक्ल में हल्के से दायरे की शक्ल में निकलते हैं, ख्याल रखें। इन आठ हुरूफ के अलावा जो भी हुरूफ हैं उनमें दायरा नहीं बनता आपका मुंह, बिल्कुल फैल जाता है दाएं बाएं फैल जाता है, इसे बै तै तै ऐन है इस तरीके से। तो आप इसमें पहली बात ये ज़हन में रखें कि तमाम हुरूफ तहज्जी दो तरह के होते हैं, उसमें आठ हुरूफ ऐसे होते हैं जिनके अदा करते हुए आपका मुंह थोड़ा सा गोल हो जाता है। इन आठ हर्फों के अलावा कोई और हर्फ गोल मुंह से अदा नहीं होता। अब जो हरूफ गोल नहीं है यानी हम उनको चपटे हरूफ नाम देंगे, जो हरूफ चपटे हैं उनमें
चार हुरूफ ऐसे हैं जिनको आपको तवज्जो देना है, अभी मैंने बताया है उसके बारे में। वो चार हुरूफ कौन से हैं? पहले दो हुरूफ था और जाल। आप अलामती तौर पर इसको जबान के हुरूफ कह के नाम दे सकते हैं, ज़ाल, ज़ाल, ज़ाल। और दो हुरूफ हलक के हुरूफ कहला सकते हैं, हैं आइन। अजीज तलबा, प्यारे भाइयों, इससे आपने समझ लिया कि तमाम हुरूफ तहजी कितनी आसानी से आप ठीक तरीके से पढ़ सकते हैं। तमाम हुरूफ, फिर से मैं कह दूं एक बार, तमाम हुरूफ दो तरह के होते हैं। उसमें आठ हुरूफ गोल मुंह से अदा होते हैं, जिसे थोड़ा सा गोल हो जाता है हमारा मुंह, बाकी के हुरूफ चपटे मुंह से अदा होते हैं। और जो हुरूफ चपटे मुंह से अदा होते हैं, फैले हुए मुंह से अदा होते हैं, उनमें दो हुरूफ जबान से निकलते हैं, ता ला, दो हुरूफ हलक से अदा होते हैं, हा और आईन। फिर एक बार आप समाअत फरमा लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ बा ता ता जीम हा खा दाल दाल रा ज़ा सीन शीन साद ضاد طا ضا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها ها همزة ياء.